अस्सलाम वालेकुम। आज आपके भाई का एक नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। यार थोड़ी सी लाइंस बताओ यार, स्टार्टिंग की लाइंस मैं क्या करूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। यकीन करो मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे शर्म भी आ रही होती है उधर ना, जैसे मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ तो मेरे देख रहे हो कितना हल्का बोलता हूँ मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई मतलब सुने ना मुझे कहीं क्या बोल रहा है। माइक होगा ना, जब इधर जब माइक लगा होगा यकीन करो मज़ा आ जाएगा। देखो गाड़ी नहीं है, गाड़ी गई हुई है और वही लेने जा रहा हूँ अभी। मेरी मम्मा को इतना दिमाग ख़राब था ना, वो गई हैं सुबह सुबह खुद और गाड़ी दे आई हैं पता नहीं क्या करने के लिए। अभी जाके देखने गाड़ी का क्या काम हुआ है। सबसे पहले एक बात करते हैं मौसम की। यकीन करो यार मौसम इतना फिट हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया वरना आपको दिखाता, वो बादल भी देख रहे हो वरना मैं आपको दिखाता, मतलब सच में बारिश हुई है, सच में। मतलब आप लोग अगर मेरी बात को झूठ समझ रहे हो तो उसको झूठ ना समझो, क्योंकि ये देखो पानी भी पड़ा हुआ है रोड पर, ठीक है। पानी भी इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश हुई है। और वो कहते हैं ना बारिश नहीं पानी आता है, बारिश होती है या बारिश होती है पानी आता है, मतलब नहीं पानी आता है बारिश होती है या बारिश होती है पानी आता है। कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सोच रहे होगे फिर से वही कपड़े, यार रात को तो पहने थे निकलते टाइम, रात को इतना लेट निकला फिर भी वही कपड़े, मतलब वही कपड़े पहने हैं यार। इस तरह का भी मौसम हुआ है ना, इसके बाद पता चल गया कि अब ठंड आ गई है। ये देखो इतना प्यारा मौसम हुआ है, ठीक है, और वो फैला हुआ है, समझ रहे हो ना, डैश 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 फैला हुआ है, समझ रहे हो, इतने दूर से नजर आ रही है, देख रहे हो वो खड़ी हुई है सामने। ये है मम्मा की मोहब्बत जो खड़ी हुई है। मम्मा को इससे बहुत ज्यादा प्यार है, वो था ना आपको अपनी चीज से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो मेरी मम्मा को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। ये रही, ठीक है, अभी जाके फारूक भाई से कदूस भाई से पूछते हैं क्या सीन है इसका। स्टॉल लेकर हूँ, ऐसे तो यार अभी इसका खराब है, मतलब ना इंजन वगैरह ऐसा नहीं ठीक, वो भी ठीक करवाएंगे, सही पैसा होगा। इस तरह मतलब उन्होंने घर का सामान वगैरह लेना होता है तो वो ले लें, और उन्होंने मतलब कहीं भी घूमने जाना हो कहीं भी तो वो खुद चले जाए, बस ये मसला था। और अब वो थोड़ा सा सेट हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इसको 50 से 60 से ज़्यादा स्पीड पर नहीं चलाना। फिर सामने जो वाइट कलर का, ये वाइट वाला है, तो इसमें से मतलब ना ऑयल वगैरह लीक हो रहा था, तो ये भी अभी हुआ है ठीक। कुकर है थोड़ी बहुत तो ठीक हुई है ना यार, मम्मा मेरी खुश हो जाएंगी, बस चलते हैं। और आप लोग कह रहे हो कि यार इसने ग्लासेस पहनी, तो मज़े की बात है कि मुझे नज़र नहीं आता ग्लासेस के बगैर, मेरी आई सेट मतलब ना काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो वो तो मैं ग्लासेस के बगैर इसलिए चल रहा होता हूँ कि चलो ठीक है बंदा इतना देख सकता, लेकिन मैं कभी भी ड्राइव ग्लासेस के बगैर नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। अभी चलाइए गाड़ी मतलब थोड़ी सी ना, तो ये है कि इसमें से अब वो वाली आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलानी। अभी इसको लेके जाता हूँ, इसकी अलाइनमेंट करवाता हूँ, जैसे उसका स्टेरिंग वगैरह थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। हाँ चलो अलाइनमेंट करवाता हूँ यार, मैं बड़ी टेंशन होती है यार, पता कि मम्मा चलाती है ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन वगैरह होती है मुझे। सबर अलाइनमेंट से पहले एक मैसेज है मेरा, जो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो में मिला होगा, वो जो कल मैंने पोस्ट की है फलस्तीन के लिए, फलस्तीन पैलेस्टाइन पर फलस्तीन के लिए। One hour later. मैंने ना टेस्ट ड्राइव ले ली है, जिसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, वरना मैंने सोचा था मैं उनके पास वापस ले जाऊँगा। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं सीधा अलाइनमेंट करवा लूँ, उसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ख़राब है, इसकी स्टेयरिंग थोड़ा सा ना लूज है इसका, मतलब लूज नहीं है, सीधी जा रही हो गाड़ी, इधर स्टेयरिंग सीधा हो तो गाड़ी इधर चली जाती है। और वो यार मेरी फलस्तीन वाली वीडियो साथ में देख लेना यार, ठीक है, थैंक यू। ये सिर्फ और सिर्फ भाइयों वाला और बहनों वाला है। ओके okay. तो ये वाली जगह है, मतलब यहाँ पे देखो उसके ऊपर गाड़ी खड़ी होगी और फिर अलाइनमेंट होगी, फिर दिखाता हूँ आज। यार मैंने कभी भी मतलब ना खुद भी मैंने गाड़ी नीचे से नहीं देखी कि नीचे से गाड़ी किस तरह की होती है। अब 23 मेरी एज हो गई है, उसमें मैंने आज तक बचपन से लेके अब तक गाड़ी नीचे से देखी है, फर्स्ट टाइम देखता हूँ अभी जाके इनके साथ कि क्या कैसी होती है मतलब गाड़ी। मैं आया तो मुझे ऐसा था कि यहाँ पर रश वगैरह होगी, लेकिन यहाँ तो कोई रश मुझे खाली था, बारिश की वजह से शायद हो सकता है, किसी को नहीं पता। तो ये होती है व्हील बैलेंसिंग की मशीन, इधर होता है ना इससे अलग व्हील बैलेंस वगैरह हो गया, पहले फर्क था। अच्छा अभी जीरो हो गया, मतलब ये ठीक हो गया। चलो यार टायरों में यूज करके अभी और भी टायर चेक होंगे, एक टायर का नहीं होता, ये सारे गाड़ी के चारों टायर चेक होते हैं, चारों टायर चेक होते हैं। ज़िंदगी में कभी कोई काम सीधा हो सकता है? नहीं हो सकता। ज़िंदगी आपको बड़े वो देती है, वो यार वो नहीं होता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उस वो को भूल गया मैं, वो समझो बस। अभी मैं गाड़ी ठीक करवा रहा था और साथ ही देखो मतलब लाइट चली गई है। अब यही है कि लाइट
सुकून करना है जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक सुकून करना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक हैं, ठीक है। बताएं, मैं तो कहता हूं बस ऐसा ही मौसम रहे, यकीन करो इतना प्यारा मौसम है ना। मुझे गर्मियां नहीं पसंद, मुझे सिर्फ सर्दियां पसंद हैं। सर्दियां आपको बहुत सुकून होता है, और अब मुझे लग रहा है सर्दियाँ आ गई हैं। वो देखो बस, बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है यार। इन बादलों में नहीं हो सकते हैं, अगर हम इन बादलों में उड़ना शुरू कर दें। अभी मेरे फ़ोन की चार्जिंग पता है कितनी हो गई है? 56%। पता नहीं ये क्या होगा, जब से मैंने iOS 17.03 किया है ना, 17.0.3 सॉरी, ठीक है, तब से मेरा फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, हद से काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है। पूछा मैंने कुछ, अब समझ नहीं आ रही। मैंने लेके आया था, जब मैं घर से निकला तब 98% था। अब मैं आपको बताऊँ कितनी देर हुई है घर से निकले, एक घंटा हुआ, एक घंटा, उसमें मेरी बैटरी हो गई है 56%। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हो? ठीक यार, ब्लॉग देखते हो? नाम क्या पहले ये बताओ। ये इतने आराम से क्यों बोल रहे, थोड़ा तेज बोलो। सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, पक्की बात है? प्रॉमिस प्रॉमिस बात है। iOS 17 की कोई गलती नहीं थी यार, मैंने की भी थी लोकेशन ऑन, यहाँ पर देख रहे हो, मतलब मजाक के अलावा मैंने ये खुद नहीं ऑन की, ये ऐसे ही ऑन थी तो मैंने बंद की। मैं भी कहूँ यार, इतनी बैटरी क्यों खा रहा है, इतनी बैटरी क्यों खा रहा है, खा भी ना पी रहा है ये बैटरी। 10 मिनट बाद नमाज का टाइम है, और मुझे लग रहा है मेरी नमाज रह जाएगी, वो इसलिए रह जाएगी क्योंकि मैंने पहनी हुई है शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स में नमाज नहीं थी। मैंने ये सोचा था मतलब मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा, तो 5:45 तक, मतलब आज होनी थी 5:44 पे, तो तब तक अजान हो जाएगी और उससे पहले पहले मैं फ्री हो जाऊँगा, अपने घर जाके मतलब पढ़ लूँगा नमाज। लेकिन मुझे नहीं लग रहा मैं पढ़ सकता हूँ, ये गजा हो जाएगी तो ईशा के साथ पढ़ूँगा। घर जाके यार मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद हम इसको पहन लेते हैं, मतलब पूरी पैंट पहन लेते हैं। ये अलाइनमेंट के लिए ना आपके पहले ये चीज़ लगती है, और यही दूसरी साइड से, मतलब ये सेम चीज़ दूसरी साइड से लगेगी, फिर दोनों को बराबर करके देखेंगे दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब जा रहा हूँ घर नमाज पढ़नी है, फिर भी घर पहुँच गया जाना है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा काम करने दरवाज़ा लगने लगा, वो तो बंद भी नहीं होता ना ये, इसको पहले निकालते हैं इधर, इसको करते हैं बाहर, और अब करते हैं अंदर। अपनी भी नहीं होगा, अब होगा, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ तो आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद मुझे थोड़े से काम में जाता हूँ बाहर, और ब्लॉग आज देखना है यार, आजकल कल की तरह इतना ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। निकलो घर से बाहर, तो यार अपने दोस्त की तरफ बात की, मैंने आपको बता दी कि आज क्या क्या हुआ है, और क्या, और कुछ मजे की बात बताऊँ, मैंने कोई बात करनी थी लेकिन यकीन मानो मैं बात ही भूल गया, मैंने बात क्या करनी थी। सपोर्ट करो यार, क्या कहते हैं उसमें, मेरा जो वो वाला ब्लॉग है, छोटी वाला ब्लॉग है, वो 4 मिनट्स का ब्लॉग है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस पर जाके जरा मेरे लाइक्स वगैरह दो, उसको लाइक करो, सारे काम करो जरा उस पर। यार ये देख रहे हो, बिल्कुल सुनसान रोड है, और अभी टाइम हुआ है सिर्फ और सिर्फ 12:20। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाती है। बाकी यार मैं ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर सका, मैं थोड़ा सा काम आ गया था, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग आगे नहीं शूट किया, तो इतना ब्लॉग आप लोग तो देख लो, इतना ब्लॉग ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और सब खुश रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दो यार, कुछ भी नहीं होगा, एक लाइक से कुछ भी नहीं जाएगा। और तब तक के लिए, मतलब कल तक के ब्लॉग के लिए, बाय।